हेलो गाइज, तो देख सकते हैं जैसा कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कुंती टीवीएस शोरूम में, जो कि हम अपने गाड़ी को सर्विसिंग करवाने वाले हैं। आज 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसका चेन स्पोकेट पूरा ख़राब हो चुका था, तो चेन स्पोकेट हम लोग को चेंज करवाना था। तो वहीं हम बोले, हम और आकाश आए हैं, आकाश का भी सर्विस करवाना था और मेरा भी। तो चलिए देखिए, भैया यहाँ पे काम लगा चुके हैं सर्विस के लिए, तो आइए दिखाएंगे और बने रहिएगा वीडियो में। बताते हैं कि फर्स्ट सर्विस मतलब फ्री सर्विस खत्म होने के बाद जो पेड सर्विस होता है उसमें टोटल कितना खर्चा आया मेरा 15,000 किलोमीटर चलने के बाद। अभी तक तो जो मेरा था वो फ्री सर्विस था, उसमें लेबर चार्ज नहीं लग रहा था, बस सामान का पैसा लग रहा था। तो ये पेड सर्विस है, फ्री सर्विस मेरा खत्म हो चुका है, तो पेड सर्विस में देखते हैं कि कितना लग रहा है कितना नहीं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए भैया, अभी चेन का काम करने को जो आप बताए थे कि मेरा चेन प्रॉब्लम है, तो स्टार्टिंग चेन से ही हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे चेन मेरा भैया खोल रहा है, देख सकते हैं। तो हाथ में मेरा टीवीएस का ये चेन स्पोकेट है, तो इसका दाम टोटल 1,330 रुपये प्राइस है इसका। इसका जो हाथ में रखे हैं देख सकते हैं आप लोग, प्राइस 1,330 रुपये यहीं डलने वाला है मेरे गाड़ी में आज, जो कि पूरा सेट ही है। ख़राब हो चुका है मेरा चेन स्पोकेट, तो ये पूरा सेट आज बदलेंगे। ये फिल्टर है, जो कि फिल्टर भी मेरा ख़राब हो चुका है, तो आज फिल्टर भी चेंज करवाएंगे। देख सकते हो वहाँ पर, तो फिल्टर का भी सारे 300 सवा 300 रुपये दाम है। बिल डाल देंगे लास्ट में, आप लोग बिल से मिला सकते हैं। तो ये दाम है। तो यहाँ पे सर्विस भैया बहुत अच्छा होता है, आप लोग अगर आप लोग भी करवाना चाहें तो आ सकते हैं। विक्रमगंज में है, तो विक्रमगंज में पता होगा कुंटी टीवीएस, तो वहाँ पे आके आप लोग करवा सकते हैं। देखिए सामने से आकाश है, आकाश का गाड़ी अभी बाहर में वॉश हो रही है, उसका फ्री सर्विस वाला है, तो उसका धुआ रही, उसके बाद मेरा आएगा, मेरा जाएगा बाहर धुआने के लिए। मेरा भी धुलाया जाता है, लेकिन नहीं धुलाया इस वजह से कि थोड़ा सा चेन का काम करवाना था, तो चेन का हुआ कि चेन का काम करने के बाद धुलाएगा। तो देख सकते हैं मेरा चक्का खुल गया है गाड़ी का, और जो ये खड़े हैं वो थोड़ा ग्रीसिंग व्रीसिंग करेंगे खुल के, तब तक भैया जो इधर का है सेट करेंगे अपना। तो बने रहिएगा वीडियो में, देखते रहिएगा, आगे बताते हैं कि क्या क्या हुआ मेरे गाड़ी में। तो बने रहिएगा। देखिए भैया फिल्टर डालेंगे, तो भैया फिल्टर डालेंगे और वो अब अपना चैन का जो भी चक्का में ग्रीसिंग फ्रीसिंग का होता है वो अपना काम करेंगे। मेरा एल बल्ब जो है ना बाइक का हेडलाइट, वो भी फ्यूज हो चुका है, तो वो भी हम चेंज करवाएंगे। तो उसका करीब 140 रुपये दाम पड़ा था मेरा, तो वो भी मेरा चेंज हुआ था यहीं पे। तो बने रहिएगा, देखते रहिए वीडियो। तो देख सकते हैं यही दांत जो है मेरे इस चक्का वाला में फंसेगा। देखिए वो यहाँ पे भाई जो है मेरा खोल रहे हैं, उसके बाद ये फिट होगा और इसमें ही चैन फिट होगा। तो देखिए वहाँ पर भाई खोल रहे हैं ये, तो इसी का भाई 1,330 रुपये दाम लग गया। बताइए, सब लोग का वैसे भी खराब हो ही जाता है 10,000 किलोमीटर पे, 10-12,000 किलोमीटर पे बदला जाता है, लेकिन गाड़ी अच्छे से चलाइएगा तो ये ज़्यादा भी चल जाता है। मेरा 15,000 पे ये चेंज हो रहा है, फर्स्ट टाइम मेरी फर्स्ट गाड़ी का भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 15,000 पे चेंज हो रहा है, और तो देख सकते हैं वहाँ पर भाई खोल दिया और इसको अब कसेंगे। और वहाँ पर आकाश कुछ बात कर रहा था इनसे, वही कुछ सर्विस वर्विस के बारे में, तो वहाँ पे इतना ना आवाज़ हो रहा था ना सर्विस का, तो आवाज़ नहीं आया, तो हम घर से आवाज़ डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो आवाज़ म्यूट हो गया है। क्या आकाश बात करे, वो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि आवाज़ इतना हो रहा था और बाहर का थोड़ा सा कुछ अजीबोगरीब ही आवाज़ था, ठीक है, मतलब हाला ओला वाला, तो इस वजह से हम म्यूट कर दिए, पूरा म्यूट कर दिए हैं। तो म्यूट करने के बाद अब देखिए घर से आवाज़ डाल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो देख सकते हैं अब भैया मेरा चैन का काम कर रहे हैं, चैन मतलब अब लगाएंगे इसमें, सब काम हो गया, चक्का वक्का खुल गया और फिट हो गया, जो भी था पुराना चैन निकल गया, अब नया चैन। तो इसमें भैया प्राइस देख रहे हैं कितना प्राइस है इसका, तो अब यहाँ पे मेरा अब गाड़ी का चैन फिट होगा। इसके बाद ज़्यादा तो ख़राब नहीं हुआ था, चलने में गाड़ी तो मेरी बहुत ही अच्छी थी, बस वही चैन स्पोकेट की तरह दिक्कत आ रहा था, चैन स्पोकेट खराब होने के साथ गियर भी थोड़ा सा फंस रहा था, आवाज़ भी थोड़ा सा चेंज हो गया था गाड़ी का, तो ये सब दिक्कत आ रहा था, तो इसलिए सोचे ये सफरते सफरते बोले चलो चेंज करवाते हैं, चेंज करवाए। तो देखिए अब भैया कसेंगे इसको, यहाँ पे अपना काम चालू हो गया कसने का, तो बने रहिएगा वीडियो में। इसके बाद अब चाका ग्रीसिंग होगा, वो भाई मेरा लाएगा चाका और ग्रीसिंग करेगा। जानते हैं ये भाई बहुत टैलेंटेड है जो यहाँ पे है, बाइक वॉशिंग भी करता है और काम भी कर देता है। यहाँ पे जो मैकेनिक है ना, वो मैकेनिक सही समझ कर रखे, जो कि ये नहीं कि वॉशिंग करता है तो आप लोग सोचिए कि वॉशिंग करता है, इसको नहीं, इसको बहुत जानकारी है, ठीक है ना, ये भाई को बहुत जानकारी है गाड़ी के बारे में। ये आपका गाड़ी बिना विदाउट मैकेनिक, कोई मैकेनिक भी नहीं रखना, तो ये आपको बना के दे देगा इस भाई ने। हम इस भाई को यहीं देखे, बाकी सब शोरूम में गए हम सर्विस कराने, आरा में भी गए थे, प्रताप टीवीएस या कहीं भी, तो वहाँ पे देखते सिर्फ वॉशिंग के लिए अलग होता है, पल्सर और N160 के भी शोरूम में गए तो वॉशिंग के लिए अलग होता है, मतलब वॉशिंग करता है तो सिर्फ वॉशिंग करता है, वो गाड़ी के बारे में उसका नॉलेज नहीं है। प्रताप टीवीएस में मेरा गाड़ी एक बार बिगड़ चुका है, जो कि वॉशिंग मैन थे ना, वहीं ऐट दिए थे पूरा स्लेटर, तो उसे तो वो तो बना के दिया था लोग, कुछ नहीं दिक्कत था, लेकिन हाँ वहाँ पे नहीं ना, लेकिन ये भाई ना आपको गाड़ी पूरा बना कर देंगे। देख सकते हैं कि मेरा चक्का ग्रीसिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, ये बस ये मत देखिएगा कि वॉशिंग कर रहा है और आपका गाड़ी खोल रहे हैं, तो फिर ये नहीं, भाई बहुत टैलेंटेड आदमी है ये, ठीक है ना।
बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक दिखाते हैं कि और क्या क्या चेंज हुआ मेरे गाड़ी में, तो बिल भी बताएंगे कितना खर्चा हुआ। तो भाई गाड़ी अच्छे से चलाओगे तो अच्छा रहेगी आप सबके पास। इतना हमको पता है कि अगर गाड़ी रखते हो तो भाई गाड़ी को मेंटेन में रखो, और अपाची तो ऐसे भी लोग रखता है तो उस सबका ड्रीम होता है, और ये हम सबकी ड्रीम है। और अपने ड्रीम को समझते हैं कि थोड़ा सा भी खराबी आता है ना तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं इसको पूरा फिनिशिंग ही करवा दें। देख सकते हैं मोबिल वोबिल खुल गया है मेरा गाड़ी का। भैया से पूछे कि मोबिल कैसा है, तो बोले कि मोबिल ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो वैसे भी मोबिल ख़राब, हम मतलब 700 वाला जो मोबिल होता है पूछे कि क्या ये सब का काम क्या है, तो बोले ये सब बहुत अच्छा है, जो भी कचरा होता है ना साफ़ कर देता है। देखिए तो मोबिल का भैया बताया कि देखिए 750 और 350 वाला में कोई अंतर नहीं होता है, जो 750 का मोबिल होता है वो 5000 पे चेंज होगा, ये जो मोबिल है इसको 2500 यहीं पे तुम लास्ट तक चेंज कर देना। ठीक है, बाकी मोबिल में कोई अंतर नहीं होता है कि ये प्राइस का ज़्यादा है तो अच्छा है और ये कम है तो नहीं, ये है कि हाँ किलोमीटर के हिसाब का बस रहता है कि वो 700 का रहेगा तो तुम्हारा 5000 चलेगा, ये 350 का है तो 2500 हार्डली जाते जाते इसको चेंज कर देना है मोबिल को। बोले सर्विसिंग नहीं भी हो पा रहा है तो मोबिल चेंज कर दो टाइम टू टाइम, बाकी कभी फिल्टर चेंज करवा दिए तो आपकी गाड़ी लॉन्ग लाइफ के लिए सही रहेगी। तो हम लोग वहीं करते हैं, एक बार हम भैया से बोले कि हम मोबिल चेंज करवा चुके थे, सर्विस का थोड़ा पैसा वैसा का दिक्कत था सर्विसिंग के लिए तो हम मोबिल चेंज करवा चुके। भैया बोले अच्छा किए थे। चलिए मेरे गाड़ी में अब मोबिल डला रहा है। सब चीज़ होने के बाद हम भूल गए थे कि मेरा गाड़ी का लाइट भी था, जब होने के बाद बोले अरे भैया मेरा लाइट भी फ्यूज हो चुका है, तो लाइट भी भैया डाले लास्ट में, उसके बाद गाड़ी गई वॉशिंग के लिए। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, देखते रहिए अंत तक। तो देख सकते हैं कि अब मेरा पीछे वाला चक्का जो है कसा रहा है, चैन मिलाया जा रहा है, क्योंकि चैन स्पॉकेट चेंज हुआ है तो चैन मतलब मिला के भैया लोग कस रहे हैं कि चैन ढीला नहीं है, ज़्यादा टाइट नहीं है। उसके बाद भैया बताएं कि थोड़ा ब्रेक और एक का मतलब जब होता है सर्विस ना तो पीछे वाला चक्का खुला है तो ब्रेक थोड़ा दिखेगा कम लगेगा, तो ये सब भैया बताएं कि आराम से थोड़ा चलिएगा और ऑटोमेटिक ब्रेक अपना सही हो जाएगा, चलते चलते ब्रेक जब देती अपना सही हो जाएगा। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है भैया, अब आगे वाला टायर का काम होगा, आगे वाला में ग्रीसिंग व्रीसिंग होगा, तो बने रहिएगा वीडियो में आगे तक। बस लास्ट में अब कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा आधा से ज़्यादा सर्विस हो चुका है, अब बस लाइट चेंज होगा उसके बाद गाड़ी जाएगी वॉशिंग के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, उसके बाद बताते हैं कि टोटल कितना खर्चा आया, तो बने रहिएगा वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। तो जो भी आप लोग को चाहिए कि कैसा वीडियो चाहिए, किस गाड़ी का चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए, तो उस गाड़ी का वीडियो हम लोग लाने का आपके पास कष्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो आप लोग के पास पहुँचाया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप बताते रहिएगा। आप लोग की ही सपोर्ट करिएगा तो आप लोग से ही सपोर्ट से हम लोग चलने वाले हैं, तो आप लोग अगर लाइक और कमेंट कीजिएगा तो हम लोग का भी थोड़ा अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी समझिए छोटे भाई को मदद कीजिए ताकि हम भी आगे चलें। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए हम भैया से बोले थे कि मेरा डिस्क ब्रेक जो है वो आगे वाला ना टाइट कसा रहा है, तो भैया यहाँ से खोल के इसको सही किए। बाकी हम देखते हैं इस गाड़ी के यहाँ पे भैया सर्विस ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम जो यहाँ पे आए सर्विस में भैया से बोले मेरा डिस्क पैड चेक कीजिएगा, बोले नया है, लेकिन वही हम अदर शोरूम में अब उसका तो नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ पे गया ना तो उसका मैकेनिक बोल रहा है कि आपका खराब हो चुका है। तो भैया यहाँ पे हमको ये लगा कि हाँ यहाँ पे जो है जेन्युइन काम होता है, सही काम होता है। ये मेरा बल्ब था तो यहाँ पे अब बल्ब का काम होगा, बल्ब कसाएगा गाड़ी में। तो देखिएगा थोड़ा सा ब्लर आ गया था कैमरा, हम ध्यान नहीं दे पाए थे उस टाइम, तो अब बल्ब कसाएगा। तो वहीं बता रहे कि यहाँ पे जेन्युइन काम हुआ भाई, एक बार भी ये झूठ नहीं ना हुआ कि हाँ आपका ये खराब था वो खराब था, जो पार्ट खराब था वो उसी का पैसा लगा है यहाँ पे। बाकी हम अदर शोरूम में भी करवाए हैं सर्विस, जो मेरा फ्रेंड तो वहाँ पे बोला कि तुम्हारा डिस्प्ले खराब हो चुका है, डिस्प्ले चेंज किया। वो आगे वाला भी बोला था कि खराब है, हम बोले आगे वाला तो चेंज नहीं करवाएंगे, चलो पीछे वाला करवा लिया था, लेकिन भैया के पास वही डिस्प्ले पे हम आए, आगे वाला बोले कि आगे तो बोले पीछे वाला तो नया, तो बोले पीछे वाला तो चेंज करवा दिए थे, आगे वाला देखिए। भैया बोले आगे वाला भी नया है, तो हम बोले जब ये सब बताओ और वहाँ पे अदर शोरूम में मेरा ये देखो, तो देख सकते हैं अब मेरी गाड़ी होगी पूरी सर्विसिंग और यहाँ पे हो गई वॉशिंग के लिए। अब देख सकते हैं यही भाई थे जिनको हम बोले थे, ये वॉशिंग भी करते हैं और काम भी करते हैं, तो ये भाई एकदम ऑल इन वन है। ये देख सकते हैं मेरा बिल 2992 रुपया आया है गाड़ी में 15000 किलोमीटर चलने के बाद, इतना सर्विसिंग का खर्चा आया, जिसमें 350 लेबर कॉस्ट था, 1330 रुपया का वो मेरा जो चेन स्पॉकेट था वो ख़राब था, बाकी थोड़ा फिल्टर उल्टर का 314 रुपया दाम था, बाकी और ये सब था। तो चलिए भाई देख सकते हैं आप लोग ये 300 इतना कुछ का बिल आया 2992 रुपये का। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।